छगन जी जाओ यार। अरे यार भाई मैं जा रहा हूँ यार। हाँ ये लड़ते लड़ते रोड पे आ चुके हैं यार, कहीं कार वालों से या फिर बस वालों से एक्सीडेंट होगा कहीं। छगन जी, अरे यार पिंटू, सामने कोई जानवर लड़ रहे हैं, इनको छुड़ाओ जल्दी। दोस्तों जानवर लड़ चुके हैं, बहुत मतलब चाहते नहीं हमें देखने के बाद हम यहाँ से जाए, छुड़ाना इनको जरूरी है। छगन जी जाओ यार। अरे यार भाई मैं जा रहा हूँ यार। हाँ ये लड़ते लड़ते रोड पे आ चुके हैं यार, कहीं कार वालों से या फिर बस वालों से एक्सीडेंट होगा कहीं रात को। दोस्तों ये क्या चाहते हैं यार, बांटना यार। रोड से हटाओ उनको, रोड से हटाओ। अरे वो वापस जाएंगे, आगे जाओ उसको, वो आगे भगा दो। हाँ भगाओ इसको। हाँ देखो कितने गुस्से में, हाँ और इतना गुस्सा कर रहा है ये। हाँ भगा दो इसको। छगन जी आ जाओ। हाँ भाई आ गया, आ गया भाई आ गया, चले। हाँ यार रोड पे क्या है कि यार कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अपन देख रहे हैं, रोड पे झगड़ रहे दोस्तों, तो हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो। नहीं छगन जी सही बात है, बीच रोड पे दोनों जानवर झगड़े कर रहे थे, गाय तो छुड़ाना जरूरी था, अपना धर्म है वो निभाना पड़ता है। चलते आगे तरफ, फिर बात करते हैं आपसे। सही बात है भाई, कोई बाइक वाला गिर जाए। हाँ ले ले पीछे की तरफ, कोई गाड़ी नहीं। ओके चलते पिंटू। वो छगन जी की तरफ, छगन जी, छगन जी वो रहे यार गाड़ी साफ कर रहे। कहाँ साफ कर रहे गाड़ी? अरे छगन जी मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो रात को भाई? तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? क्यों? क्या हुआ छगन जी? गाड़ी की कितनी कंडीशन खराब हो रखी थी, मैंने पूरी गाड़ी साफ ही की है। गाड़ी गंदी तो, गाड़ी तो साफ ही थी यार। कहाँ साफ थी देख भाई, कितनी गंदी हो रही थी, मैंने साफ किया है भाई। अबे गाड़ी, अरे पूरी गाड़ी को साफ किया है यार मैंने। ये आना पिंटू पीछे, गाड़ी पूरी साफ कर दी, पूरी साफ करी है यार। नहीं भाई साफ तो पूरी कर रखी है, कर रखी ना, चमका रखी है, पूरी चमका रखी है। ये कैसे दिलबा किसने खाई है अंदर? ये पिंटू ये दिलबा तूने खाई है? नहीं खाई यार। ये देख ये अंदर ही है, मैं खाते भी नहीं। देख पिंटू झूठ मत बोल, दिलबा खाता है। मैंने नहीं खाई, चापट रख दूंगा तेरे एक झूठ। अरे मैंने नहीं खाई ना, बोल दिया मैं खाते भी नहीं हूं यार। देखा पीछे साफ कर दी ना, हां एकदम चमका दिया भाई। मैं तेरे को गधा बोल देता था। क्यों? क्योंकि गाड़ी को इतनी गंदी करके लगा दो, मोटा भाई ने नहीं खाई अंदर आके। यहाँ दिलबाग किसने ली शॉप से? अभी इसने ली ना, देख ली यार मैंने। देख पिंटू झूठ बोलने से काम चलता है, ठीक है? दो चाय पीने, कितने चाय पी? छगन जी चाय नहीं पीऊंगा क्या? हाँ चाय पिए, चार चाय बना दो, बढ़िया एकदम टंकी है ना। हाँ ये बात पकड़ा गई, ठीक है इतना बोल दिया, दिलबाग खाता तू। अरे यार क्यों बदनाम करते हो यार, गुस्से में आ गए ना। छगन जी को समझाएगा इनको, तो भाई शर्म आने वाली बात है यार, इसमें क्या यार, गुस्से में क्या है, गुस्से की क्या बात है यार, इतनी सी बात में गुस्से में हो गई। तो मोटा भाई हंस रहा है, मोटा भाई हंसो मत यार, हमारे छगन जी गुस्से में आते हैं, समझो यार। चाय पिलाओ छगन जी, रुको मैं चाय मंगवा, तो आप गुस्सा मत करो, आप जल्दी चाय बनाओ, ये फिर हम माते पड़ेंगे मेरे भाई। पिंटू चाय पी लेता है, दोस्तों चाय पी लेता है जब तक के लिए माइंड खराब हो गया। मान गया ना मेरी बात छगन जी? मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी बात मान चुका हूँ, उस भाई में दम था, उसकी बातों में दम था, प्लीज अब मुझे परेशान मत करो। और वो तालाब में कितना फीट लंबा आदमी बताया, बता है आपको? 28 फीट लंबा आदमी बता रहा, बोल रहा पिंटू भली वो कुछ भी। पिंटू तू भी तो सुन रहा था ना भाई। हाँ तो मान रही ना, आपकी बात मान रही ना, हम कहाँ जिद कर रहे हैं? तो बोल रहे थे कि भी आप बोल रहे थे अपन चले, नहीं जा रहे ऐसे मजाक कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट जम्मा हो जाओगे अपन, ये बात तो सही है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा एक व्लॉग चैनल है, इस पे हम जो हमारी जो लाइफ की बातें हैं, लाइफ की शेयर है, वो सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। देख बच्चे दो तेरे भी हैं, तीन बच्चे मेरे भी हैं, और पिंटू के भी हैं,
पिंटू का है? है? पिंटू की। अरे भाई अब तो होगा तो होगा यार, शादी की है तो होगा नहीं यार, ऐसे थोड़ी नहीं क्या अभी नहीं दिया हो गया। मम्मी पापा तो है ना, बहने है ना। अरे अच्छा, अरे तो गुस्सा मत करो ना यार, हम मान गए ना, हम नहीं जा रहे वहाँ पर, तो फिर क्यों हमारा खोपड़ा खा रहे हो यार आप? चलो वहाँ कल हेडफोन पहले। अरे नहीं जा रही, कल मेरी बात सुन, मुझे याद दिलाना, मार्केट में हेडफोन मिले तो मैं बताना, मैं कान पर लगा रखूंगा मैं। क्यों माता खा गए देखे ना भाई तेरे यार? अरे भाई तेरे, तुम्हारा माता इतना छोटा था मेरे मुंह में आ जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे यार प्लीज, मेरा इतना बड़ा मुंह है क्या यार? दोस्तों ये हमारा एक व्लॉग चैनल है जिसपे हमारी लाइफ की बातें, हमारी फैमिली से रिलेटेड वीडियो मिलती है आपको। इस पे कोई गोस्ट जो है हमारा कोई लाइव लोकेशन लेके हम इस पे वीडियो नहीं देंगे, ये आप क्लियर कर देते हैं हम, है ना सर पिंटू? बिल्कुल। वही हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारी ओनली फॉर व्लॉगिंग देखना चाहता है, वही आपसे हाथ जोड़ते दिल से। छगन जी एक बार इधर सपोर्ट मी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है ना, तो आप हमें वही सब्सक्राइब करें जो हमारी व्लॉगिंग देखें, हम जरूर बनता है बिल्कुल, एक लाइक बनता है, एक लाइक तो बनता है बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना कि मेरी आंखों में आज मेरी आंखें लाल हो रही, बन रही नहीं हो रही, दिमाग मत खराब छगन जी आप, लाइट वर्ड नहीं, नहीं लाइट से नहीं, क्योंकि यार रात को यार 3 बजे सोया हूं, क्या करता भाई, कल 3 बजे लेट, 3 बज गए यार। छगन जी मेरी आंखें लाल नहीं हो रही? हो रही भाई हल्की हल्की। दोस्तों आप बताओ ना, आंखें लाल हो रही नहीं हो रही? मेरी दिल से बता, मेरी आंखें लाइट से नहीं हो रही। दोस्तों मैंने रात को 3 बजे तक मैंने किसी एक बात पर कोई चर्चा थी तो उस पर हमें 3 बज गई थी, तो क्या है कि अब क्या है कि नींद जो इतनी आ रही है हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। और अब यह कि जिस भाई ने क्या बताया कि वो एक टर्न था ना रास्ता का, हाँ टर्न टर्न, हाँ मोड़ मोड़, उस मोड़ पर दो जने बाइक लेके जा रहे थे, एक बाइक पर दो जने थे तो, हाँ बोलिए, वो बाइक सीधी जाके सामने से गाड़ी आ रही थी, ट्रक ट्रक आ रही थी, तो अब उसको जाना इधर था, वो जाके सीधा ट्रक के नीचे घुस गया। हाँ तो बाद में रोड तो उसका तो इधर रह गया था ना, वो उधर का को जाएगा, तो वही तो कह रहा हूँ, वो जो चीज है वो खींच के वहां पर उनका उनको मारकर वो मतलब वो चीज उसका है जो उसका भग ले रही थी, भग लेना चाहती है, भग का मतलब होती है दोस्तों उसका प्राण ले लिया, प्राण लेना वो चाहती है, कोई भूखी चीज होती है जिससे कोई इंसान को खा जाती जो। और ये चीज आपको मैं बताता हूँ, इसका भी हमने प्रूफ निकाला। आप सोचते होंगे ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ऐसे कांड क्यों होते हैं, ऐसे कारण क्या होता है पिंटू, आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल। आज से करीब जब पुरानी बात कर रहा हूँ, कितने साल हो, चाहे 500 हो सके चाहे 1000 साल हो, देवी देवताओं और राक्षस के बीच में झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था देवताओं और राक्षस के बीच में। तो ऐसे बड़े बड़े महायोद्धा राक्षस भी थे जो मतलब देवी देवताओं को भी नहीं मतलब हार मानते थे, बराबर लड़ाई करते थे, वो जंग जीत जाते वो भी, लेकिन देवी देवता उनको कैसे कंट्रोल करते थे पता नहीं, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, ये सच बात है। तो उस टाइम जो लड़ाई हुई वो एक जगह नहीं हुई, कई कई जगहों पर हुई, कई कई लोकेशनों पर हुई, तो वो ऐसी लड़ाई हुई जो राक्षसों के देवी तो बीच में जब मार जो मतलब ये चला झगड़ा, तो राक्षसों को इन्होंने जो देवी देवताओं ने काटा मतलब इनकी गर्दनें काटी, इनको मार गिराया, तो वो उसी स्थानों पर मार गिरा के उनको डाल दिया भाई। ऐसे हुआ कि जब राक्षस ज्यादा थे देवी देवता कम थे, अच्छा ऐसे था, अच्छा फिर वो देवी देवता ने उन राक्षसों को एक एक को जहाँ जगह मिली ना वो झगड़ा हुआ, जब उसको मतलब जहाँ मिला जहाँ भी वो खत्म करते रहे, वो चलते रहे, ऐसे हुआ था। हाँ तो मतलब जो मतलब देवताओं को ये राक्षस मिले जहाँ मिले वहाँ उनको मार दिया, हाँ तो वो वहीं गिर गए। हाँ जैसे अपन वहाँ हम जहाँ हम स्थान पे बैठे हुए पता नहीं हो सकता यहाँ 1000 साल पहले किसी राक्षस से मौत हुई, तो वही चीजें आज दिखाई देती है, उनकी खून चाहिए उनको, उनको भोग चाहिए ज्यों, इसलिए ये हादसे होते हैं। कभी कभी घटनाएं सुनने में दिक्कत सुनने में मतलब आती है अपने को, भाई ये वहाँ हो गया था, ये हो गया था, वहाँ पर आज भी आवाज आती है, वहाँ पर कोई दिखता है, तो यही कारण है पहले के जमाने में अधूरी मौत मरे हुए वो राक्षस ही मान लो और कोई इंसान भी अपना जैसा मान लो, तो वो क्या है कि लोगों को दिखता है और परेशान करता है, ये बात सही है। और अब यह जो भाई गया था वो काली भैंस आ गई थी, जो टर्न था मोड़ था उस मोड़ में जा रहा था बाइक वाला और उस टर्न के अंदर भैंस आई, दोनों टकरा गए, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए,
मतलब कहना मतलब जितने गाड़ी के जो पार्ट्स है, मुंह हो गया उसके साइड, वो इतनी जोर से भड़कानी ना गाड़ी ना, टकरानी टकर खाई, जैसे खाई इसी कंडीशन हो गई गाड़ी, चुना चुना व्हील अलग हो गए सब पूरे। अब बंदा एक उसमें थोड़ा सा उसका जो होश आ गया तो उसने तुरंत देखा कि यार भैंस को कहां लगी तो नहीं, तो उसने भैंस को ढूंढी तो भैंस वहां नहीं थी। उसका दिमाग खराब हो गया यार, वो भैंस कहां चली गई, भैंस कहां गई, तो भैंस थी नहीं उस टर्न मोड में। तो वो दिमाग खराब हुआ भाई, यहाँ पर कोई कोई खतरनाक चीज है, तो वो तुरंत वहां से भाग गए थे। लेकिन वो सीरियस था, मतलब भागने का मतलब वो जिसको भी एडजस्ट करके उसको लेके गए लेट पास, उसको वहां से वो लेके भाग गए थे। वहां रुक कर पीछे मुड़ के नहीं देखा वहां पर क्या था। तो बात यही है, और वो टर्न कौन सा है वो हमें उन्होंने लोकेशन भी दी, लेकिन हम नहीं चाहते उनको आपको बताएं इस वीडियो पर। बस ये हमारा व्लॉग चैनल है, हम ऐसे बातें करते रहते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दबा के शेयर करना, क्योंकि आपको प्यार मिलता है। बिल्कुल शेयर करना। मिलता है जी, कहाँ मिलता है प्यार, क्या जी, जो अपनी ऑडियंस है कहाँ अपने को प्यार करती है, मतलब दिल में या माथे पे या फिर अपने दिल के अंदर होनी चाहिए। दिल के अंदर है बिल्कुल, लेकिन उनका हाथ कहाँ रहता है, अपने सिर पे, सिर पे ना। तो और कोई दिमाग पिंटो क्या लगा रहा है। तो दोस्तों यही बात, इतना ही समाप्त करते हैं। हमें डर लग रहा है, बातें ऐसी की कहीं डर जैसा मोल रहता है। मेरी तरफ से सामने खाली भैंस नहीं आए और गाड़ी के टुकड़े नहीं करे, हम भी सही सलामत घर पहुंचे। अभी की जो टाइम हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, आप सोचते होंगे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। अरे गूगल टाइम निकालो, आज तू गूगल टाइम बताते दोस्तों, गूगल टाइम बताते भाई, क्योंकि कार का टाइम आप सोचते होंगे कि यार यू भाई चेंज कर लेते होंगे, लेकिन गूगल टाइम ही दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों भूतों की बातें सुनते हो ना, तो हम हमारे जो बीपी है ना वो करीब हाई रहती है, हाई हाई हो, कुछ हो नहीं जाए, हाई हाई करते हैं दिन भर, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ बहुत बुरी कंडीशन मिलती है। क्या टाइम हो रहा है, एक मिनट भाई बताता हूँ, एक मिनट क्या टाइम हो रहा है, 12:09 हो रहे हैं दोस्तों, फिक्स 12 बज गए, ये देख लो आप। हाँ भाई, अब 12 बजे हम यहाँ पर हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, क्यों पता नहीं, हमें चर्चे करते हैं बातें पर क्या थी पे पूरा नहीं करते। बस आज इतना ही, कल बात करते हैं नए वीडियो के साथ। अगर ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसी स्टोरी चाहिए, अगर हमारी आवाज़ से पसंद आए तो हमें कमेंट करना, हम और ला देंगे। जय हिंद, जय भारत। आज जय भारत, नींद आ रही ना भैया, चलते ज़्यादा बात नहीं करते ना, ओके ठीक है भाई।